गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखिए आप लोगों को दिखाएंगे एक तो जेड मॉडल का डिस्प्ले चेंज। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं ऑलरेडी डिस्प्ले यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया। देखिए गाइस, तो इसमें ये डिस्प्ले भी देखिए ऑन करने का बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, चार्ज मतलब लाइट फाइट कुछ भी नहीं दिखा, मतलब डिस्प्ले खराब है। तो ऑलरेडी डिस्प्ले ऐसे होता ना बिल्कुल, थोड़ा सा इसको क्रैक होने के बाद बिल्कुल लाइट फाइट कुछ भी नहीं जलते, ऑलरेडी डिस्प्ले ओरिजिनल जो डिस्प्ले। तो इसमें देखिए मैं ऑलरेडी डिस्प्ले लगाएंगे इसको, लेकिन ये 100% जो सर्विस सेंटर का जो ओरिजिनल होता है वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल ओरिजिनल जैसे है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये मतलब सेट करके दिखाएंगे। और ये लोकल डिस्प्ले लगाना चाहते हैं तो लोकल डिस्प्ले का प्राइस क्या आएगा, मतलब ये तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो ऑलरेडी डिस्प्ले मैं सेट करता हूँ, तो ये ऑलरेडी डिस्प्ले भी इसको मतलब ओरिजिनल जैसे तो कम नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसको भी प्राइस थोड़ा हाई है। तो ये भी प्राइस कितना है ना आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए ये ऑलरेडी डिस्प्ले में सेट करके दिखाएंगे, मतलब ये तो क्वालिटी कैसे आ रहा है ऑन करने के बाद पता चल जाएगा। तो सैमसंग Z8 का ये ऑलरेडी डिस्प्ले मतलब ओरिजिनल जैसा कम नहीं है, ओरिजिनल जैसा मिलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए 100% जो सर्विस सेंटर का ऑलरेडी आता है वो बात अलग है, लेकिन उसका वो प्राइस बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है, तो ऑलरेडी डिस्प्ले मार्केट में नहीं मिला है, लेकिन ये ऑलरेडी डिस्प्ले जो मिला है तो ये भी कम नहीं है ओरिजिनल जैसा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ, ऑन करके मैं इसको लगा के सेट करके मैं दिखाएंगे। तो चलिए ये डिस्प्ले को उठा लेता हूँ, ये डिस्प्ले बिल्कुल खुला भी है। तो ये डिस्प्ले एक बार कस्टमर चेंज किया था सर्विस सेंटर में। ठीक है, तो सर्विस सेंटर में इसको चेंज किया था, देखिए मैं इसको दिखा था आप लोगों को, सर्विस सेंटर स्टिकर भी लगाऊँ तो एक बार डिस्प्ले चेंज होता है तब इसको कंपनी वाले एक स्टिकर लगा देंगे, बिल्कुल देखिए स्टिकर लगा दिया। ठीक है, तो ये भी ओरिजिनल डिस्प्ले 100% मतलब जो सर्विस सेंटर का माल था, ये बिल्कुल कस्टमर एक बार चेंज किया था सर्विस सेंटर जाकर। तो ये सर्विस ये डिस्प्ले जितना प्राइस लिया था ये आपका शायद 4,500 के ऊपर प्राइस था ये डिस्प्ले का। ठीक है, लेकिन अभी जो प्राइस ये जो डिस्प्ले में ऑलरेडी लगा रहा हूँ ये भी देखिए ओरिजिनल जैसे कम नहीं है, ये भी बिल्कुल आप लोगों को सेट करके दिखा दो। तो मार्केट का जो ओरिजिनल है, ये जो मार्केट का जो ऑलरेडी ओरिजिनल है इसका प्राइस कितना आएगा, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। अरे लगाने के बाद बिल्कुल क्वालिटी भी कैसे आ रही है बिल्कुल देखिएगा इस। ठीक है, अगर लोकल डिस्प्ले होता है एक तो TFT डिस्प्ले मिलता है, एक तो इनसेल डिस्प्ले मिलता है, तो वो अगर लगाने के बाद बिल्कुल मतलब उसको तो ब्रांड स्पेस टोटली अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब आपका मोबाइल यूज़ करने के लिए मजा नहीं लाएगा। TFT इनसेल डिस्प्ले लगाने के बाद बिल्कुल ब्रांडनेस क्वालिटी अलग ही हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, टच भी साइज काम नहीं करता, लेकिन ये ऑलरेडी डिस्प्ले बिल्कुल टच भी सही काम करता है, ओरिजिनल जैसे काम करता है ना ऐसे काम करता है, ब्रांडनेस भी सही है ओरिजिनल जैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सेट करके लगा दो, देखा तो आप लोगों। और इसको देखिए एक बार देखिए ओरिजिनल जैसे तो मतलब बोल रहा था आप लोग ऑलरेडी है, लेकिन इसको देखिए ये जो ओरिजिनल डिस्प्ले है सबसे में चेंज किया था, इसको भाषण देखिए, देखिए RE V.02 भाषण है इसका, देखिए मेन जो पत्ता है फ्लेक्स है, तो इसको ये यार मैं जो मार्केट में डिस्प्ले ऑलरेडी लिया है उसको भी पत्ता का भाषण देखा था। ठीक है, तो ये डिस्प्ले ओरिजिनल जो कस्टमर चेंज किया था इसको भाषण। और चलिए मैं इसको ये डिस्प्ले दिखाता हूँ आप लोगों, ये मार्केट से मैं लेके आया, देखो इसको भी भाषण देखिए RE V.02 ये भी भाषण देखिए, सेम टू सेम भाषण है। MS इसको 60 का कंपनी का इसको जो सीरीज बनाया ये फ्लेक्स का, तो बिल्कुल देखिए इसको ये बिल्कुल ये फ्लेक्स भी सीरीज का एक ही, ओरिजिनल जो फ्लेक्स है ये भी फ्लेक्स बिल्कुल एक ही है, डिस्प्ले का फ्लेक्स बिल्कुल देखिए। सीरियल नंबर आप लोग को मिला के भी दिखा है, तो देखिए ये क्वालिटी भी कम नहीं है ओरिजिनल जैसा है, आप लोगों को इसीलिए बोल रहे थे कि इसको सेट करके ऑन करके भी दिखाता हूँ। तो ये डिस्प्ले अगर आप लोग लगाना चाहते हैं ना तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप लोग इनसेल TFT लोकल वाला डिस्प्ले जो 1700 1800 1600 में मिलता है वो डिस्प्ले अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये डिस्प्ले लगाए, वो डिस्प्ले लगा टच सही काम नहीं करेगा, ब्रांडनेस आपका बिल्कुल लो मिलेगा, जो ब्रांडनेस क्वालिटी होता है ना बिल्कुल लो मिलेगा, आपका मोबाइल यूज़ करने के लिए मज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बिल्कुल ये डिस्प्ले आप लोग लगा सकते, थोड़ा सा प्राइस हाई है, तो कितना प्राइस है आप लोग डिस्प्ले बॉक्स में देखिए। तो चलिए यहाँ पे इसको लगाते हैं, इसको ऑन करके आप दिखाते, तो कहीं देखिए इसमें ऑलरेडी डिस्प्ले जो ओरिजिनल डिस्प्ले होता है तो वही ऑलरेडी डिस्प्ले यहाँ पे सेट करता हूँ ना, इसलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो बना के शेयर किया। ठीक है, तो चलिए इसको मैं डिस्प्ले इसको देखिए लोकल डिस्प्ले जो आता है उसको तो डिस्प्ले नहीं लगा है, तो चलिए इसको देखिए इससे लॉक भी लगा दिया, तो चलिए अभी देखिए डिस्प्ले बिल्कुल साइड में काम दिया था, बिल्कुल सेट भी हो जाएगा ओरिजिनल जो सैमसंग का जो डिस्प्ले सेट था जैसे सेम टू सेम साइड में कोई ऊँचा ऊँचा कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो इनसेल जो TFT डिस्प्ले आता है वो लगाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ऊँचा रहेगा, नीचे में बिल्कुल सेट नहीं होगा, बिल्कुल ऊँचा रहेगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको बिल्कुल देखिए ओरिजिनल जैसे सेम टू सेम सेट हो जाएगा, LCD भी फुल है, देखिए इसको देखिए क्वालिटी देखिए, मोबाइल ऑफ भी नहीं किया था, देखिए अभी आ गया, देखिए मोबाइल ऑफ भी नहीं किया था, ओल्ड डिस्प्ले ऐसा आ गया, लेकिन इनसेल TFT लोकल डिस्प्ले होता था ना बिल्कुल ऐसे नहीं आता, मोबाइल ऑफ करना पड़ता था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बैनेस क्वालिटी आप लोग देखिए बिल्कुल टच भी देखिए कितना सही काम कर रहे हैं, लेकिन TFT लोकल डिस्प्ले होता है वो बिल्कुल इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए बिल्कुल पासवर्ड तो मेरे को नहीं पता है, पासवर्ड तो कस्टमर मेरे पास नहीं पता है, लेकिन अभी बिल्कुल देखिए टच बिल्कुल देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है, ब्रांडनेस देखिए बिल्कुल देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का ब्रांडनेस भी है, इतना अच्छा ब्रांडनेस ना वो लोकल वाला डिस्प्ले में नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग ये डिस्प्ले बिल्कुल लगा सकते हैं बिना टेंशन हो, चलिए इसको देखिए लो ब्रांडनेस कर देखिए, इसको लो ब्रांडनेस देखिए, तो लोकल जो डिस्प्ले आता है ना वो ब्रांडनेस के लिए कम हो जाता है, मतलब आधा का कम, मतलब ये जो डिस्प्ले ब्रांडनेस है इसका आधा भी नहीं होता है वो जो डिस्प्ले आता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसको देखिए ये तो बिल्कुल टच बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो डिस्प्ले देखा जिसको चेंज किया कैसे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप में इसको देखिए, ज़्यादा हार्डवर्क काम भी नहीं होता इस डिस्प्ले चेंज करने के लिए, लेकिन आप लोगों में यही बताना चाहता हूँ, ठीक है डिस्प्ले आप लोग कौन सा लगाना चाहिए सही होगा,
इसीलिए ये डिस्प्ले आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर किया, इसको डिस्प्ले चेंज कर। देखिए कैमरा भी देखिए, लेकिन लोकल आप लोग डिस्प्ले लगाएगा तो बिल्कुल आपका सही काम नहीं करेगा, बिल्कुल दिक्कत भी आएगा, कुछ दिन बाद प्रॉब्लम भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन गैस ये डिस्प्ले आप लोग के जो ओएलईडी डिस्प्ले ना, ये बिल्कुल आप लोग लगे बिल्कुल आपका सही काम होगा, मतलब आपका मोबाइल भी सही रहेगा, आपका यूज़ करने के लिए मज़े भी आएगा, लेकिन लोकल ट्रिप टू डिस्प्ले में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं गैस, आप लोग को तो मैं दिखाया कैसे डिस्प्ले चेंज करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए तो इतने गैस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।